तो चलिए एक यात्रा पर जिसका नाम है वात्सल्य जर्नी, यानी माता पिता का बच्चों पर होने वाला प्रेम। गर्भ संस्कार की ये यात्रा में आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच और उसके परिणामों की। गुणों की वृद्धि करना और अवगुणों को दूर करना, यही है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार को भारतीय संस्कृति में कराए जाने वाले 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। कई साइंटिस्ट भी यह बात से सहमत है कि साइंटिफिक गर्भ संस्कार का बच्चों को संस्कारित व शिक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान है। बालक के विकास यात्रा में योगदान देना माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और माता पिता की आदतें और आचार विचार भी संस्कार के रूप में उनके संतान के अंदर प्रवेश करते हैं। माता और शिशु का एक एक क्षण एक दूसरे से जुड़ा है। माता का आहार, विहार, विचारधारा और मानसिक परिस्थिति, इन सभी का गहरा असर गर्भस्थ शिशु पर होता है। बच्चों को संस्कारित बनाने में माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है और उनका योग्य समय है गर्भकाल। इसीलिए गर्भस्थ शिशु के साथ सकारात्मक विचारों से संवाद करें। गर्भस्थ शिशु माता के मस्तिष्क में आने वाली हर जानकारी का अर्थ ग्रहण कर सकता है। इसीलिए गर्भकाल में हमेशा अच्छे विचार का मन में ध्यान करें। हमारी सकारात्मक सोच, सकारात्मक संवाद और सकारात्मक कार्यों का असर गर्भस्थ शिशु के अच्छे मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गर्भ संस्कार के अनुसार यह माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान शिक्षाप्रद किताबें पढ़ने से बच्चों को ज्ञान प्राप्त होगा। इसीलिए सदियों से गर्भवती महिलाओं को पौराणिक कहानियों और शास्त्रों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, इस उम्मीद में कि अच्छे नैतिक मूल्य उनके बच्चों तक पहुँचेंगे। तो चलिए बात करते हैं गर्भ संस्कार से जुड़ी प्रचलित कहानियों की, कि कैसे माता के सकारात्मक विचार, विहार, मंत्र, भक्ति, ध्यान और मानसिक परिस्थिति, इन सभी का गहरा असर शिशु पर कैसे पड़ा। स्वामी विवेकानंद जी की माता भुवनेश्वरी देवी गर्भावस्था में ध्यान किया करती थी, इसीलिए स्वामी विवेकानंद बाल्यावस्था से ही ध्यान योग विद्या जानते थे। ध्यान और योग गर्भवती स्त्री के लिए सबसे उत्तम है। जिस देवता, संत या वीर पुरुष के गुण अपने शिशु में लाने हैं, उनका मनन करके आप उनका ध्यान कर सकते हैं। ऐसी ही दृढ़ और सकारात्मक सोच से शिवाजी की माता जीजाबाई लगातार सोच रही थी कि उनका बेटा पराक्रमी और बहादुर बने। इसीलिए जीजाबाई लगातार राम और लक्ष्मण की कहानियों को याद करती रहती थी और शिवजी की पूजा करती रहती थी और शिवजी के 5 बहादुर और निडर पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करती रहती थी। परिणाम स्वरूप उन्हें ऐसा ही पुत्र प्राप्त हुआ। उनका नाम उसने शिवाजी रखा था। शिवाजी महाराज ने युवावस्था में प्रवेश करते ही मुगल साम्राज्य को हरा के औरंगजेब के शासन का अंत किया था और मुगल साम्राज्य के जुल्म से लोगों को मुक्त किया था। गर्भावस्था के 6 महीने से गर्भस्थ शिशु सुन सकता है और सुन के विद्या प्राप्त कर सकता है। अभिमन्यु ने पिता अर्जुन द्वारा चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला भी माता के गर्भ में रहते हुए सुनी और महाभारत के युद्ध में गर्भावस्था में जानी हुई यह विद्या का उपयोग अभिमन्यु ने किया था। इस प्रकार जन्म के बाद भी अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की युक्ति याद थी। राक्षस राज हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद महान भक्त कैसे हुआ? क्योंकि गर्भावस्था में देवश्री नारद जी ने माता कयाधु को ज्ञान भक्ति का उपदेश दिया था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद महान भक्त हुए। इस प्रकार गर्भावस्था में प्रहलाद को मिलने वाले विचार और भक्ति संस्कार से वे महान विष्णु भक्त बने। इसीलिए इस अवस्था में माता जो भी सोचती है, देखती है, सुनती है, सीखती है, महसूस करती है या कल्पना करती है, उनके अनुरूप ही उनके शिशु के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। स्वामी विवेकानंद जी का कथन है कि यदि माता पिता बिना प्रार्थना किए संतान प्राप्त करते हैं,
तो ऐसे संतान समाज पर भार स्वरूप है। आर्य संतान वही है जो माता पिता द्वारा भगवान से की गई निर्मल प्रार्थना के फल स्वरूप उत्पन्न होते हैं। वे ही परिवार, समाज और देश का हित साधक कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हम वो है जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसीलिए इस बात को ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार दूर तक यात्रा करते हैं। कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति से पूछने पर वह अपनी सफलता का राज सकारात्मक विचार ही बताएगा। इसलिए इस युग की सबसे बड़ी शक्ति शस्त्र नहीं सद्विचार है, यानी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। गर्भ संस्कार के अगले वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।